सब पे वायदे किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पे जब यहाँ पर रैली की थी उसमें भी यही वायदे करे थे कि हम यहाँ की इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन इन मीटिंग के बाद में जो आश्वासन मिले हैं, जो वायदे मिले हैं, वो लगातार मिलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हो, इससे पहले फॉसबेक ने भी मीटिंग करी, उसमें भी और जाकर के मिले, उसमें भी आश्वासन मिले। पार्टियों ने अपने अपने दिए, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कांग्रेस रही हो, आम आदमी पार्टी रही, सभी ने इसको लेके मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। तो हम आज इसी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि क्या ये आश्वासनों और वायदों से ही शहर चलेगा। शहर का लगातार बेड़ा गर्क हो रहा है, पार्कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की समस्या खड़ी है। मैं कल देख रहा था दड़वा इलाके में तो पानी नहीं आ रहा है, बड़े दिन से बड़ी परेशानी की स्थिति है। इसके अलावा तमाम सारे गांवों की स्थितियां खराब हैं, शहर में बुरी स्थिति है, गार्बेज की समस्या है, रेट्स बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से शहरवासी जूझ रहे हैं। तो चूंकि ये शहर हमारा आपका है, ये राजनीति का अड्डा नहीं है कि सिर्फ राजनीति की जाए, इस शहर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसीलिए इस मौके पे भी मैंने इस डिबेट को ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं पंजाब में, तो उस स्थिति में ये हुआ कि पंजाब चैनल है तो निश्चित रूप से इस पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, समस्याएं भी चर्चा होनी चाहिए, और चंडीगढ़ भी चुनावी शहर है। तो अब ऐसी स्थिति में नगर निगम चुनाव आ चुका है, सारी चीजें वायदे फिर वैसे के वैसे ही खड़े हैं, तो आखिर क्या होगा। इन्हीं सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है महिला की, दीपा धीर दुबे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग जी। हमारे साथ में रजत मेहरोत्रा साहब हैं जो उपाध्यक्ष हैं क्राफ्ट के। हमारे साथ में प्रदीप चोपड़ा हैं जो सचिव हैं फॉसबेक के। तो आप सबके साथ में इसीलिए चर्चा के आया। मैं सबसे पहले रजत जी के ही पास जाऊंगा। रजत जी, जिस तरह से समस्याओं पे चर्चा हुई, लंबे समय से आप भी लड़ते आ रहे हैं, समस्याओं को लेके बात करते आ रहे हैं, लेकिन आप हर बार देखते आ रहे हैं, हर बार आप लोगों ने किया, लेकिन क्या आश्वासनों के सिवा, वायदों के सिवा कुछ होता आपको अभी तक दिखाई दिया? मुझे ये बताइए, 7 साल में, 5 साल में क्या हुआ है? जी जी, रजत जी, सबसे पहले आपके चैनल से सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ शहर जो 1971 में था, उसके बाद 2014 में देखा हमने एक फेज, और आज उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सी समस्याएं उठी, उसको देखते हुए अपनी आवाज, लोगों की आवाज सेंटर तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अफसरान तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की हमने स्थापना की 2019 के अंदर, जिसका नाम है क्रॉफेड, चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 97 RWAs जुड़ी हुई हैं। हम लोग हर महीने मीटिंग करके सारी समस्याओं को कंसोलिडेट करके, जो मेन 8-10 समस्याएं होती हैं शहर की, जैसे आपने गार्बेज की बात की या आपने टैक्सीज की बात की या सड़क की, वो उनके सामने रखते हैं। तो उस टाइम फिर वो अफसर और जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जिनको चुनके वो आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और अपना रोड मैप दे के जाते हैं कि हम ये काम करेंगे। उस रोड मैप को जब जब हम लोगों ने मीटिंग की है, जो उन्होंने हमारे को वादे किए हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल के अंदर, उसका फिर हम लोग रिव्यू करते हैं कि इन्होंने जो रोड मैप बनाया, जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि क्या कहाँ वो खड़े उतरे, कहाँ कमियां रह गई, और जहां जहां पे जरूरत पड़ती है फिर हम अपनी आवाज फिर उन तक उठाते हैं। बात आपकी सही है, काम बहुत है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है पहले से, और अपने फर्क भी बहुत आया है काम का। फिर भी जैसे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे सब चल रहे हैं, हताश नहीं हुए। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात रजत जी कह रहे हैं कि उम्मीद के सहारे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका हल निकलेगा। मैं अब इसके बाद में चोपड़ा साहब के पास जाऊंगा। चोपड़ा साहब, आप लोग भी लड़ते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से, तो आप ये देखिए कि इस सारी समस्याएं रजत जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे उठाई, वही समस्याएं आप लोग भी उठाते रहे, वही पार्टियां उठाती रही, लेकिन
ये जो मेजर समस्याएं हैं 5-7 जो रजत जी भी कह रहे हैं, और उन्होंने वहां पर बुलाया भी मेयर को भी और कमिश्नर को भी, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी, तो उस स्थिति के बावजूद वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पिछले मैं जो देख रहा हूं पिछले 8-10 साल से, मुझे तो कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या दिखाई दिया या क्या सच? जी चोपड़ा साहब। नमस्कार अजय जी, मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समय समय पर हमारे शहर की समस्याओं को उठाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि समाधान नाम की कोई चीज नहीं है, तो आज के दिन में हमें एक तो ये रखना चाहिए कि चंडीगढ़ नगर निगम का नाम या तो चंडीगढ़ नरक निगम कर दीजिए और या फिर इसको आश्वासन निगम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आप देखिए कि पिछले 5 सालों से बार बार आश्वासन मेंबर पार्लियामेंट ने दिए, आने वाले मेयरों ने दिए कि डंपिंग ग्राउंड को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन डंपिंग ग्राउंड में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी डंपिंग ग्राउंड का जो पहाड़ है वो बढ़ता गया। इन्होंने नारा दे दिया कि हम लोग चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मेरे को तो एक लकौती याद आती है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना तो शहर जो सिटी ब्यूटीफुल था वो भी खत्म हो गया, स्मार्ट सिटी तो क्या बनना था। हमारे शहर का वो बुरा हाल किया है नगर निगम ने, ये एक करप्शन का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे हर देखिए हर एक साल में नया मेयर आता है, जैसे कि आपने कहा कि क्राफेड की मीटिंग में मेयर साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिए, और 2 महीने में तो मेयर साहब नहीं रहेंगे, तो आश्वासन भी किस चीज के रहे। अभी आपने देखो करोड़ों रुपए गाड़ियां खरीदने के लिए लगा दिए, जो गाड़ियां डोर टू डोर गार्बेज उठाती हैं, वो गाड़ियां बिल्कुल निकम्मी गाड़ियां हैं। आज के दिन में जब सारी चारों तरफ एनजीटी ने कहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है और ये जो प्रदूषण है कम करना है, जब आपके पास आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल अवेलेबल थे, आपने करोड़ों रुपए डीजल व्हीकल्स खरीदे, उसके लिए अब आप उनके ड्राइवरों को इतना वेतन देंगे, उनके साथ जो कर्मचारी कार्य करेंगे उनके लिए इतना पैसा खर्चेंगे, ये सब हमारे लोगों के पैसे की वेस्टेज है। इनमें इनकी कमीशनें खाते हैं, जबकि ये डोर टू डोर गार्बेज का काम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बखूबी से और लोगों की बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी इतने सालों से करती आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक पैसे बढ़ाने के लिए हमारे शहर पे एक और बोझ लाद दिया, समस्याओं का। जी बोलिए। पानी के मुद्दे के लिए ये लोग फ्रांस से लोन ले रहे हैं 500 करोड़ रुपए का। अब आप बताइए कि जो 35 सेक्टर में JW मैरियट होटल के साथ 1.5-2 एकड़, 3 एकड़ की साइट पड़ी है, उसी को बेच दो 500 करोड़, तो वो मिल जाएगा इनको, लेकिन ये नहीं मालूम कि एक विदेश से पैसा क्यों लिया जा रहा है। अब बात आ जाती है फिर घूम फिर के कि समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। समस्याओं का समाधान सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पार्षद, हमारे ऑफिसर, ये सब मिली भगत से ठेकेदारों से पैसे खाते हैं। अभी लियांस कंपनी 3-3-4-5 करोड़ रुपया महीने का दे रहे हैं। दूसरे पैनलिस्ट है चोपड़ा साहब, दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात कर लें। मैं प्रेम जी के पास जाता हूं। प्रेम जी, आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ राजनीति की बात करती है, दिल्ली में भी उसकी सरकार है तो तमाम सारे मॉडल प्रस्तुत करती है। आप लोग जब यहाँ विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है पक्ष से, क्योंकि अब ये स्थितियां हैं जब सारी चीजें, तो क्यों नहीं आईना दिखा पा रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है शहर में? क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष तो आएगा फिर आश्वासन देगा, और हमारे चैनल पे ही 10 बार आश्वासन दे चुके हैं, और अब तक मुझे याद है जिसमें 10-15 दिन कुछ बताया था नहीं हुआ, तो तमाम सारे लोग अब जवाब के डर से कटना भी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्यों नहीं आईना बनते हैं? जी प्रेम जी। अजय जी, ऐसा कि आईना तो बने ही हुए ना, आज की डेट में अगर कोई मुद्दे उठा रहा है तो आम आदमी पार्टी उठाई रही है। अभी आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे कुछ दिन पहले इतना हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया था इसी चीज को लेकर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भ्रष्टाचार है, जो पानी के रेट बढ़ रहे हैं या गार्बेज कलेक्शन के रेट इन्होंने बहुत बेतहाशा बढ़ा दिए,
उस पर हमने पीछे भी काफी अच्छा प्रोटेस्ट किया था, अभी कल परसों भी हमने 19 सेक्टर में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट किया था। लेकिन सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही आम आदमी पार्टी का ऑपोजिशन का रोल नहीं है, उसका एक रोड मैप देना, जो मैं समझता हूँ ऑपोजिशन को एक रोड मैप देना चाहिए जिसपे चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे ओपोजिशन सब चले। मैं तो हमेशा आपके चैनल के थ्रू बहुत बार बोला कि अगर बीजेपी ही अच्छे काम करती है तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की जरूरत ही ना रहे, लेकिन बीजेपी क्योंकि अच्छे काम नहीं करती है इसलिए हमारी जरूरत पड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी के तरफ सारे लोग खींचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबका एक उम्मीद बन गई है कि आम आदमी पार्टी शायद ये जो मेस बन गई है सारे चंडीगढ़ की उसको खत्म करेगी। पहले हम कहते चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी, अब ब्यूटीफुल तो खत्म हो गया, अब चंडीगढ़ द स्मार्ट सिटी बोलने लग गए, ठीक है ना, ब्यूटीफुल तो भूल गए आप, ब्यूटी तो खत्म कर दिया, स्मार्ट है, स्मार्ट में आपको तो स्मार्टनेस ही रहती है, उसमें कोई अच्छाई नहीं होती। तो दूसरा क्या है कि जितने भी आप आश्वासन देते हैं ये बीजेपी वाले हों या पहले कांग्रेस वाले भी देते थे, तो वो आश्वासन तो दे देते हैं, 5 साल के लिए आश्वासनों पे चले जाते हैं, लास्ट वाले 3 महीने जो होते हैं आपने देखा या तो फाउंडेशन स्टोन लगने लग जाते हैं, धड़ाधड़ एक एक हफ्ते में 10-10 फाउंडेशन स्टोन लगते हैं, या फिर जैसे कल गांधी भवन में संडे को कहा आश्वासन कि हम ये करेंगे, हमने किया, हम करेंगे, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, वो सारे चलते हैं, लेकिन आप उनके पास टाइम ही कितना बचा है, 2 महीने, 2 महीने में क्या कुछ कर लेंगे, मेन समस्या 2 महीने बचे हैं उसमें क्या कर लेंगे। आप सुनिए, हमेशा पार्टी के पास एक विजन होना चाहिए कि हमने ओवरऑल ग्रोथ क्या करनी, कंप्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। आप जो पैच वर्क करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पार्टियां पैच वर्क करती है जैसे रोड पे पैच वर्क करते हैं ना, ऐसा सारे कामों में पैच वर्क करते हैं, अभी कोई समस्या करते हैं और पार्टियां पैचवर्क वर्क कर रही हैं और काम की बजाय तो ये कहना है। मैं आता हूं आपके पास, आप आता हूं गर्ग साहब आपके पास, मैं दीपा जी के पास जाऊंगा। दीपा जी, सारी बातें आपने सुनी, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, आप इत्तेफाक से चुनाव भी लड़ी हैं डड्डू माजरा साइड से, वहां की समस्या खड़ी हुई है, तब से वायदे किए जा रहे हैं, वहां से मेयर भी रह लिया उस इलाके से, सारी चीजें होने के बावजूद समस्याएं जस की तस हैं। जो मैं 2014 में सुन रहा था लोकसभा चुनाव में, वही 2019 में सुना, वही हमने 2017 के चुनाव में सुना जो नगर निगम का चुनाव था। तो इन सारी स्थितियों में जो ये हालात खड़े हैं कि मतलब 2016 में, तो ये जो हमने हालात सुने उसके बाद में आपको लग रहा है कुछ होने वाला है या कुछ हो जाएगा, या जो जिस तरह से कहा कि कुछ नवंबर में हो जाएगा, कुछ इसमें हो जाएगा, कहां से कैसे हो जाएगा, क्या रोड मैप है और क्या लगता है इतना किसी भी तरीके से कार्य संभव? जी दीपा जी, ऐसा है, मैंने डड्डू माजरा से नहीं चुनाव लड़ा, मैंने वार्ड नंबर 2 सेक्टर 15 का जो एरिया आता है मैंने वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन डंपिंग ग्राउंड के लिए मेरी आवाज हमेशा ही उठी है, क्योंकि मैं उन नागरिकों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ जो वहां पे नरक की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जितने 5 सालों में, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 5 सालों से हमें आश्वासन ही मिले हैं, जनता ने कमल को वोट दी लेकिन कमल ने हमें सबको दलदल में दबो दिया, तो वो स्थिति जो बनी हुई है उससे निकलने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं और करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी के एमसी सदन ने जो लोगों के साथ आश्वासन करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जैसा कर्म किया इन लोगों ने वैसे ही ये फल आने वाले 2 महीनों में लेंगे। दूसरी बात, प्रेम जी कह रहे थे कि इन्होंने आईना दिखाया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी प्रेम जी को भी कि आम पार्टी उस आईने में अपने आप को ही देख रही है, वो जनता को या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी तो इनका संगठन ही नहीं मजबूत हो सका। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हमें तो अच्छा लगेगा। तब तो सवाल देखिए फिर मैंने क्या कहा, यहाँ समस्याओं पे हम बात करें, हम राजनीति में वही कह रही हूँ, समस्या को उठाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप चाहिए, जो फॉसवेक है या क्राफ्ट है या कोई विपक्षी पार्टी है वो एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं उन लोगों के ऊपर, और जो कि हम लोग हमेशा बनाते 5 सालों से आए हैं। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि ये आने वाले 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने 5 साल में नहीं किया वो आने वाले 2 महीनों में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ये सिर्फ आश्वासन है, अभी और प्रलोभन आएंगे, अभी और आश्वासन आएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है वो अब उन चीजों के बीच में जाने वाली नहीं है। हर जनता उनसे सवाल पूछेगी कि बताइए आपने ये वादे किए थे, आपने कौन सा वादा पूरा किया। सांसद बनी उन्होंने सबसे पहले ये कहा डंपिंग ग्राउंड पे खड़े होकर
कि मैं इसका निवारण सबसे पहले करूंगी, लेकिन आज वो अपने स्वास्थ्य को लेके कह लें, या मैं ये कहती हूँ अगर वो ठीक नहीं है तो बाकी तो सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्यविधि कर रहे, सांसद जो हमारे पार्षद हैं वो क्यों घरों में बैठे हैं, वो अपने सुख सुविधा देख रहे हैं लेकिन हमारे पार्कों की स्थिति देख लीजिए, रोड गली की स्थिति, बैक लेन्स की स्थिति, पेड़ों की कटिंग की स्थिति, किसी चीज को ले लीजिए, गार्बेज ले लीजिए, पानी के लिए कहते हैं 24 घंटे पानी देंगे, मैं कहती हूँ दड़ुए जैसे गांव में आपने जैसे कहा कि पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, उस पानी को 3 घंटे ही दे दो लेकिन स्वस्थ पानी तो दो, साफ पानी तो दो, लोग पी तो सके, अब तो फिल्टर के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता, या फिर बीमारी का समाधान है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये आश्वासन बहुत हो गए, अब जनता आश्वासनों में आने वाली नहीं है, आने वाले 3 महीने जो है वो इनको रंग रूप दिखा देंगे। चलिए, आने वाले 3 महीने में जनता आश्वासन में आने वाली नहीं है, चीजें दिखाएगी। मैं रजत जी के पास वापस लौटता हूँ। रजत जी, मैं अभी एक हमारे आज कल एक मित्र का निधन हो गया था, उस सिलसिले में मैं आज क्रिमेशन ग्राउंड गया था। मैं क्रिमेशन ग्राउंड जब गया तो मैंने देखा वहां के चारों तरफ इतनी घास उगी हुई थी, उस तरह से जब गाड़ी खड़ी करने के लिए गए तो जिस तरह के हालात थे, मतलब कम से कम ये हालत हुआ करती थी, वो एक साफ सुथरा होता तो वहां होता था, आज वहां डर लग रहा था कि गाड़ी खड़ी करके यहाँ से निकलेंगे कहीं सांप बिच्छी कुछ मिल जाए क्या मिल जाए, क्योंकि बरसात के दिन है। तो वो हालात आज हमने देखे, तो आप ये देखिए, इसके अलावा बाकी हम शहर में मैं खुद विजिट करता हूँ, देखता हूँ तो तमाम जगह पे पार्कों में इस तरह से घास बड़ी बड़ी उगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरह की हालत हमने तो चंडीगढ़ में नहीं देखी थी। जब मैं चंडीगढ़ आया था, मैं आ करके बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि मुझे लगा था कि मैं पागल हो गया हूँ कि ऐसा भी शहर होता है, और मैं लखनऊ से आया था जब, तो मतलब मुझे लगा था कि हाँ मैं एक ऐसे शहर में आया हूँ, और मैंने फोन कर करके अपने यहाँ घर में और दूसरों को बताया था नहीं नहीं ऐसा शहर है। आज उस शहर को मैं लखनऊ से जब तुलना करता हूँ तो शायद लखनऊ ज्यादा खूबसूरत लगता है इस शहर की वनस्पति। तो ये हालात यदि हो गए हैं तो शायद हम लोग जो जनता के कहीं ना कहीं जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसमें दो चीजें हैं सर, जनता को रिप्रेजेंट यूजुअली हम लोग क्या, जब वोट डालते हैं ना तो अपने नेताओं को बनाते हैं, तो रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं बेशक वो रूलिंग में है बेशक वो अपोजिशन में है, उन लोगों का रोल ज्यादा बनता है। हम लोग तो खुद एक आम जनता है, एक आम लोग हैं, हम लोग तो एक अपना एक संगठन लेके बैठते हैं कि आओ हम अपनी बात अपने जो चुने हुए नेताओं के सामने रखें, वही हमारा रोल रहा है पिछले 16-17 साल से। इससे पहले जब हाउसिंग बोर्ड फेडरेशन चलती थी तब भी हमारा यही इशू था, अब जब हम एमसी के इश्यूज लेकर आए हैं तब भी वही रोल है, क्योंकि हमारे को यही लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में ये है कि जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको भेजते हैं उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि रिवोल्ट करना एक अच्छी बात है, भारत की राज्य हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ भी करता है, नारे भी लगाते हैं जब जब जरूरत होती है, हम आवाज उठाते भी हैं, लेकिन एक कोशिश हमारी ये होती है कि हम उनसे रोड मैप तो लें, हम जाते हैं सिर्फ बिल्कुल सही हम उनसे रोड मैप तो लें, और वही हमारी सोच है उसी के ऊपर हम प्लान करते हैं, रोड मैप लेकर आओ, अगर आप करते हो उस रोड मैप पे तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो ठीक है, फिर जनता तो सब देख रही है, हम लोग आईना दिखाते हैं कि ये देखिए आईना। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात कही है जी ने, यही बात हम कहते हैं कि आपके पास मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ प्रेम जी। रजत जी ने बड़ा अच्छा कहा कि एक रोड मैप तो दिखाइए, और रोड मैप जो दे उसके साथ हम जाएंगे, जब जनता ये सोचेगी तो तमाम सारी समस्याओं का हल होगा। मैं इसी पे चोपड़ा साहब का कमेंट लेना चाहूंगा, चोपड़ा साहब फाइनल कमेंट आपका। हाँ जी, रोड मैप तो होना चाहिए, जैसे कि हमें दिखाया गया था पिछली बार नगर निगम के चुनाव में भी और मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कि ये डंपिंग ग्राउंड खत्म हो जाएगा, अब वो रोड मैप में तो बड़ा क्लियर था कि ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। ये हमने 5 साल हमारे साथ इन्होंने हमारे कॉर्पोरेटर्स ने और हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने एक धोखाधड़ी की है, अब इसको जनता की अदालत में लेके जाना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए इन लोगों से कि भाई आपने हमारे साथ ये धोखा किया है कि हम सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन आज जैसे आपने अभी कहा कि घास लगी है, आप जाके अजय जी देखिए 34-35 की डिवाइडिंग रोड, यहाँ जो 34 सेक्टर है जिसे सिटी सब सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहां 15-15 फुट के वो बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल मैंने देखा है, मैं अभी हाल ही में गया था पासपोर्ट ऑफिस के पास, तो मैंने उस इलाके में देखा बड़ी बुरी हालत है। बड़ी घास नहीं जी, मुझे प्रदीप जी की आवाज कट रही है, मैं प्रेम जी के पास जाना चाहूं। आपको किसी को दिखाई नहीं देता, या जब ये लोग घर में आंखें बंद कर लेते हैं? चलिए, लोग आंखें बंद कर लेते हैं और ये स्थिति है। प्रेम जी इस पर आपका फाइनल चंडीगढ़ जब बना था तो 5 लाख पॉपुलेशन के लिए बना था, आज चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 12 लाख है और एक आध डिकेड में 20 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हमें जो प्लानिंग करनी है चंडीगढ़ को, 20 लाख पॉपुलेशन के लिए आज से ही करनी है, क्योंकि जो भी चंडीगढ़ में आते हैं, चाहे स्टूडेंट आते हैं, चाहे लेबर क्लास आती है, चाहे बिजनेस के लिए आते हैं, चाहे इंप्लॉयमेंट में आते हैं, चाहे कोई डेपुटेशन, सब चंडीगढ़ में आके बस जाते हैं, तो चंडीगढ़ से कोई वापस तो जाता नहीं है। और हमें एक चीज प्लान करने के 20 लाख की पॉपुलेशन के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे अभी वो एयर टावर लगा, वो अपने ट्रांसपोर्ट चौक पे लगा दिया, उसको क्यों नहीं अपने डड्डू माजरा में लगा दिया? डड्डू माजरा कम से 2-3 ऐसे लगा देते हैं तो कम से लोगों की जिंदगी थोड़ी सी तो शायद, अगर वो कामयाब होते इस बात को रजत जी ने उठाया वहां मीटिंग में। मैंने तो जिस दिन लगा था उस दिन मैंने, आपने देखा, मैंने वो ग्राफिक, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डड्डू माजरे में लगाओ, इसको अगर लगाना ही था कम से कम वहां पे ऐसी आप, ये इन्होंने देखो ये जो राशन दिया, गला हुआ राशन दे दिया, अब उसका सोल्यूशन का निकालना के जो काउंसलर है वो वहां पे बांटेगा जाके, काउंसलर वहां क्यों बांटेगा जाके, वहां अपनी पोटे बनाएगा, उसका बिल्कुल सोर्स है, सोर्स पे जाके देखना चाहिए, बिल्कुल काम करे। ये मैं प्रेम जी, चूंकि समय की सीमा है, मैं दीपा जी के पास जाऊंगा। दीपा जी आपका फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस ने अपना नगर निगम छोड़ा तब हमने 400 करोड़ की उनको FDR बना के दी, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं हमारा दिवाला निकला हुआ है। तो मुझे ये बताओ, आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, आपने रेनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं किया, कहीं सड़क नहीं बनी, गाँव का क्या हाल है, लोगों कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो वो 400 करोड़ जो थे वो गए तो गए कहाँ? ऊपर से आप 500 करोड़ और ले रहे हो फ्रांस से लोन की, पानी हम 24 घंटे देंगे। ये जो चीजें हैं ये बहुत हानिकारक, जनता की पॉकेट के ऊपर बोझ डाल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता के हक में अगर काम हम नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि हमें किस व्यक्ति को लेके आना है। बड़ी अच्छी बात कही कि जनता के हक में यदि काम नहीं कर सकते और शहर को कर्जदार बनाएंगे, शहर को कुछ देंगे नहीं, तो फिर ऐसे लीडरशिप की हमें जरूरत क्यों है? ऐसे लोग जो हमारे शहर को बर्बाद कर रहे हैं, उसको देने के बजाय, बनाने की बजाय सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उनकी हमें जरूरत क्यों है? इस बात को चंडीगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा और अपने वोट देते समय इन सारे मुद्दों को देखना होगा। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। चोपड़ा साहब, चूंकि समय की सीमा है, चर्चा की समाप्त करता हूं और आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद।